पहाड़ इज अ लॉब भाई, ये तो बहुत स्कैरी है। चीज की एकदम माइंड ब्लोइंग है कि भाई मेरे से शादी कर ले। ओहो सर कंबल है। ओह माय गॉड, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाना पड़ता है। शिमला के रस्तों पे थोड़ा तमाशा करके रेडू सिड्डू क्या लोरू क्या ही। Hi guys, welcome to my Shimla vlog. नहीं, इनके साथ नहीं जा रही हूँ मैं। ये तो बेचारे मेरे शो से मुझे बाय करने एयरपोर्ट तक आए। अभी ये है मेरा सोलो ट्रिप और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 6 महीना काम करने के बाद बहुत सुंदर बन के ये एक्सपेक्टेशन में जा रही हूँ कि मेरे सीट पे कोई मुझे अच्छा मिले, बट इतना अच्छा नसीब कहा मेरा। खैर, आफ्टर फ्लाइट मैंने दिल्ली टू कलकत्ता का ट्रेन ले लिया और जैसे ही मैं ट्रेन से निकली मुझे मिली टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन मुझे शिमला तक पहुंचाने वाली थी, तो मैं बैठ के अपने मेन कैरेक्टर वाइब में आके फुल गाने सुन के शिमला का वेट कर रही थी। सुंदर जगह बुक किया और ये है मेरा 7 डेज के लिए स्टे। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी रह रहे थे और ये था मेरा बेड। शिमला आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि स्कूटी का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि मुझे चलाने ही नहीं आती, तो मैं निकली पैदल मॉल रोड पे और वहाँ के बहुत सारे लोगों को मैंने सिर्फ कल कहाँ पे जाओ ये जगह पूछा तो बहुत सारे लोगों ने मुझे झाकू टेम्पल के बारे में बताया। तो मैं सुबह सुबह निकली अपना ग्रीन टी लेके झाकू टेम्पल के लिए। वहां जाने के लिए मैंने चुना रोप वे। वहां से बहुत सुंदर सुंदर नजारे देखते देखते मैं पहुंची झाकू टेम्पल के लिए और वहाँ पे एक सुंदर से लड़के को मैंने बोला कि मैं मेरे मेन कैरेक्टर में हूँ, वैसे प्लीज मेरा वीडियो निकालना। उसे भी मैं शायद सुंदर नज़ारों से कम नहीं लगी, तो उसने मेरे लिए बहुत एफर्ट्स लेके बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस निकाले। हाँ आई नो, सोलो ट्रैवलिंग का एक मज़ा है कि आप जब भी सोलो ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे नमूने और बहुत फनी लोग भी मिलते हैं। मुझे मिली रोप वे में एक सुंदर सी फैमिली जिनके बच्चा देख के बोल सकता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो वो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। खैर आखिर में वो भी तो एक लड़का है। डेस्टिनी आने पर मैं फिर से अकेले ही चलते चलते झाकू टेंपल की ओर चली गई और व्यू इतना ब्यूटीफुल था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे ही रह जाऊँ। और ये है यहाँ का हनुमान जी का सबसे बड़ा मूर्ति। यार बहुत सुंदर था ये। ये हनुमान जी का मूर्ति इतना बड़ा था कि इसके सामने तो मैं बहुत चींटी की तरह लग रही थी। वहां पे बहुत सारे लोगों ने मुझे पहचाना भाई कि आप डांसर हो ना, इसी का फायदा उठा के मैंने उनको ही बोला कि प्लीज आप मेरे कुछ पिक्चर्स और मेरे कुछ वीडियोस निकालोगे क्या। तो यस, मैं इतनी सुंदर हूँ कि किसी ने मुझे मना ही नहीं किया, जोक्स अपार्ट। बट यस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग मुझे वहाँ पे पहचान रहे थे। तो ऐसे ही मैं मेन कैरेक्टर वाइब कंटिन्यू करके पूरा झाकू टेंपल मैंने घूमा, बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स क्लिक किए। एंड देन कहते हैं भगवान ऐसे ट्रिप पे आपको आपके प्यार से मिलाते हैं, बट इतना अच्छा नसीब मेरा कहाँ पे। भगवान ने मेरे ट्रिप पे मुझे मेरे कलीग से ही मिला दिया जिस शो में मैं पहले काम कर रही थी, और उसे देख के मुझे प्यार नहीं आया, मैं तो बस झगड़ा कर रही थी कि तुझे अजीबत ना ऐसी बोलूं। मेरे को जा पहले स्टाफ शो अलायर हमारे दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था, बट मैंने उसको बोला कि तुझे सांस लेने के लिए शिमला ही मिला क्या। बहुत सारे झगड़े के बाद फिर हमने एक डिसीजन पे आके फिक्स किया कि चलो इतना मिले ही है तो साथ में ही शिमला घूम लेते। और वैसे भी मुझे तो स्कूटी चलाना आता ही नहीं, तो मैं शिमला के बाहर ही नहीं जा पाती। खैर भगवान भी शायद यही चाहता था, इसके लिए मैं और सुमित चले कुफरी। कुफरी शिमला का एक गांव है जहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं, तो बस लाइफ में उसी की कमी थी, तो वो कमी भरने के लिए मैं और सुमित चले गए कुफरी। वहाँ पे एक अंकल ने हमें पकड़ लिया और उन्होंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की हमें सारे एडवेंचर्स के पासेस बेचने के लिए। और हमें वैसे भी लाइफ में कोई भी आसानी से उल्लू बना सकता है, तो मैं और सुमित घोड़े पे बैठ के चले कुफरी के एडवेंचर पे ले। इधर हमें एक क्यूट सा बंदा मिला जिसका नाम था अमन। अमन के पीछे पैसेंजर प्रिंसेस बनके मैं बैठ गई अंजलि का कैरेक्टर लेके,
और सुमित पूरी तरीके से राहुल का कैरेक्टर निभा रहा था। ये दोनों नाम सुन के मुझे तो कुछ कुछ होता है। अच्छा, इस लड़के से तो मैं ऐसे बात कर रही थी जैसे इसका और मेरा कुछ पुराना रिश्ता। तुम्हारे पास कितने घोड़े हैं यार ऐसे? कितने? सात घोड़े। तो वो सात घोड़े रेगुलर इतना जाते हैं? दिन में 10 बार जाते हो ना? 7-8 बार जाते हैं ऐसे, जिस दिन ज्यादा चक्कर लगते हैं ना। हाँ, उस दिन 7-8 बार। अच्छा, ऐसे तो कभी तो एक टाइम कितना लगता है जाने के लिए? कितना टाइम लगता है जाने के लिए? लगता है कुछ क्या है ये? 6:30 साढ़े पाँच बज गए। तू क्यों नहीं आ रहा है अमन? तू आ जा यार हमारे साथ, तूने देख लिया ना अभी हम कैसे। तू आएगा ना? हाँ अमन, तू नहीं रहेगा भाई? ये तो बहुत स्कैरी है यार। एक्चुअली दिस इज द ट्रिप भाई, तू राइट से चल यार, आदम छोड़, लेफ्ट से मत चल भाई। अभी भी हो गया रे। मैं जा रही हूँ जिप लाइन के लिए, बट लुक एट द व्यू। कुछ भी शूट नहीं कर सकते अगर हम जा रहे हैं यहाँ पे, पर मुझे चाहिए। रेडी भाई, टाइट है ना ये? गिर ना जाओ ना, ठीक है जाओ। हो गया टाइम मेरे जाने का, ठीक है दादा। दादा किधर पकड़ने का? किधर पकड़ो? बस खाली छूना है, इसको टच करना है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूं, कुछ नहीं करना। नीचे बैठो। अच्छा, नीचे बैठो। हां बैठ जा, पूरा बैठो। बैठूं मैं पूरी? ओके बाय। ठीक है, वो जाओ सेंटर, वो पकड़ो दोनों हाथ से, लेट्स गो। ये और डिफिकल्ट है। अरे ये तो लेडर है जी, बैलेंस बनाओ और चलते रहो। ना ना घर जाना भाई जी, पकड़ो रस्सी दोनों हाथ से, उठाओ सीधा। Yes. ये तो मिलिट्री ट्रेनिंग है, ऊपर से जाने के बाद ऐसे लगता है। आओ बैठ के आओ। जान जाने तक चढ़ाई चढ़ाई हुई है और इट्स अ फन। पहाड़ इज अ लॉब। हमने बोला था अमन की तू आ जा भाई, तो आ गया। कुछ तो पावर है भाई। सो अभी हम है कुफरी के मासू गांव में और मैं यहाँ से जा रही हूँ घोड़े पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारा यहाँ पे। हम लोग अभी गए थे एडवेंचर करने के लिए, बट वहाँ पे जाने के लिए ये पूरा रास्ता है और वहां से आप सिर्फ घोड़े पे ही जा सकते हो। आप किसी भी व्हीकल में आओ, आपको घोड़े पे ही जाना पड़ेगा। यूजुअली इधर घोड़े चेंज होते रहते हैं क्योंकि इनका पूरा काम चालू रहता है, इनका टीम रहता है यहाँ पे। आपको नीचे पर्ची मिल जाती है पूरा, अगर आपको कोई एडवेंचर करना होगा तो। लुक एट द व्यू, ये जन्नत है, ये जी रहे हम लोग यहाँ पे। वाओ, ये घोड़े का नाम क्या है अमन? टीकू। और इसका पीछे वाले का नाम आफत। आफत। इसको इसको तो हमेशा ऐसे ही, पहले तो घुसकर, कौन आदमखोर मिला था, उसके बाद घुस ये टिका आफत। मुझे पहले माइकल मिला था, रवि टीकू, टीकू एंड माइकल। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम दोनों मिले और हम दोनों का दिमाग एक ही जगह पे चले। दोनों को अलग अलग जगह पे जाना था और अगर हम दोनों साथ में है तो झगड़ा ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। एक मिनट, ठीक है अभी कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सोलो ट्रिप। यो
सुंदर सा कुफरी शहर घूम के आने के बाद हमने सोचा कि चलो फिर से हम मॉल रोड ही चल लेते हैं। और ये प्लान करते करते हमने सोचा कि क्यों ना हम हॉस्टल ही चले जाए ताकि हम वहाँ पे बहुत लोगों को मिल सके। और ये हमें मिले जय जी और मेघा, ये दोनों मैरिड कपल है। ये है हर्ष, ये हॉस्टलर का होस्ट है। ये उधर का प्यारा सा डॉगी। और ये है सुमित जो सबको खाने के बारे में बातें कर करके पका रहा था और हम हंस हंस के सुन रहे थे। उसके बाद प्लानिंग हुआ हमारा सुबह सुबह हिमाचली फूड खाने का, इतने बड़े डिस्कशन के बाद गुड मॉर्निंग। और ये हम चले हिमाचली फूड खाने के लिए हिमाचली रसोई में। इससे आठ कैसे तैयार होता है कल मैं देख रहा हूँ। और ये हम पहुंच गए हिमाचली रसोई। मेघा ने तो ज्वाइन किया ही, लेकिन अभिषेक ने जो सुमित का दोस्त था उसने भी ज्वाइन किया, हर्ष भी था। और हम सब ने डिसाइड किया कि चलो आज कुछ हिमाचली फूड खाया जाए। सिड्डू रेडू रेडू सिड्डू क्या लोरू क्या ही रेडू 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 अच्छा यही रेडू है ये सिद्धू है। अभी रेडू का स्पेलिंग है आर ई एच आर यू रेडू रेडू। मैं इसको रेहरू बोल रहा था, मैं दुबई तो बोल रही हूँ, अभी रेहरू बोल रही थी इसको। इसने मेरे को 10 बार टोक दिया। ये हमारी हिमाचल से ही है। बालूगंज का स्पेलिंग बोयोगंज लिखे हमने फोन पे, बोला बोयोगंज तो मैंने बोला बोयोगंज किधर है, बोला शिमला नहीं है या बोयोगंज नहीं है, बोला क्या एड्रेस क्या है, बोला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोयोगंज बालूगंज। बालूगंज बोलते तो बोयो क्यों नहीं। ये है गाइस क्या रेडू रेडू। सो चीयर्स फॉर न्यू फ्रेंडशिप गाइस, चीयर्स फॉर रेडू, हैप्पी रेडू। मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा है ना, बढ़िया। लो यार चलो ग्लास खाली कर। चीयर्स। ये तिखट ताक करेक्ट, ताकाची कढी, ताकाची कढी, ताकाची कढी, ताकाची कढ़ी, ताकाची कढ़ी बोलते हैं हमारे मराठी में इसको। ताक हम भी राजस्थान कढ़ी चावल रेडू रेडू है वो हमारे महाराष्ट्र में हम लोग कढ़ी बोलते हैं, ताकाची कढ़ी, ताकाची कढ़ी भी महाराष्ट्र मत लेके आओ इधर। पर इधर के लोग फिट भी है देखो ना, एक फैट नहीं रहेगा उसके बॉडी में। भाई भाई यार सच में मंडियाली वाली है, तो इसमें ये क्या है मंडियाली वाली, कौन सा मंडियाली, मंडियाली थाली धाम मंडियाली धाम। अच्छा मंडी डिस्ट्रिक्ट है, बताओ बताओ दादा। इसमें मादाल है, ये सेपू काली मादाल, काली मादाल, ये सेपू बड़ी है, पालक की गर्मी है, दाल की बड़ी होती है सर, ये कद्दू खट्टा राजमा कड़ी कद्दू का मीठा, कद्दू मीठा है, ओ थैंक यू दादा। नाश्ते में कावड़ी धाम मिला था और हम आप सोच रहे थे कि अगर दोबारा कावड़ी धाम मिला तो हमें भी पेंट करना पड़ेगा, आज हमने मंडियाली में। हाँ ना मेरे, बट वो हम ट्राई करेंगे फिर कल आके कावड़ी धाम। बता हिमाचली फूड नहीं, अगर हिमाचल आओ तो ये लोकल फूड ये तो मस्त ट्राई है। वही और तीन चार लोगों ने बताया इधर खाना, ये खाना इधर मेरे को लगा ये पनीर है, ये बड़ी है, ये क्या है, ये न्यूट्री होती है ना, न्यूट्री जो हम सोयाबीन खाते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसको बड़ी तो बोलते हैं हिंदी में। अच्छा ये खुद से बनाई होती है, किचन पे बनाया जाता है सर ये थाली, इसलिए इसमें हजारों के हिसाब से लोग आते हैं तो रोटी बनाना पॉसिबल नहीं होता इसलिए। अच्छा जैसे जैसे हमारी शादी में बनाता है, इसके घर में सगड़ा धाम लगता है शादी में लगाते हैं इसको। वाह ये कितना अच्छा है, क्या ये एक दो महीने का सीन जो हुआ ना कि मैंने सोचा ना कि जैसे जूस ऑर्डर किया था तो एक ग्लास जूस ऑर्डर करता हूँ, बता दिया कि नहीं नहीं बताया, एक ग्लास जूस ऑर्डर करता हूँ ताकि हम जब शेयर करेंगे तो प्यार बढ़ेगा, मैंने ये सोचा था समझो करूंगा। तो मैंने क्या किया ना, मैंने इसको दिया, मैंने सोचा कि एक सिप लेके फिर मेरे को देगी,
मैं वेट कर रहा था और उस टाइम मैं इतना खुला नहीं था इसके सामने, मैं बोल रहा हूं यार मुझे भी एक सिप चाहिए, इसने लिया और मैं वेट कर रहा हूं, मुझे भूख लग रही है यार, मुझे भी ड्रिंक दे दे, मुझे भी ड्रिंक कर दे। इसने बिना पूछे सारा खत्म कर दिया। लास्ट में मैंने बोला यार मुझसे तो पूछ लेते, ओ मेरे दिमाग से निकल गया। क्यूट। उसके बाद हम लोग अपना अपना खाना, फिर उसके बाद मैं हमेशा मैं अलग अलग ऑर्डर, उसके बाद फिर कभी साथ में ऑर्डर नहीं किया। इनको ना समझना चाहिए एक्चुअली, मतलब लड़कियों का नाम ही उनका हाँ होता है। और अब क्या हो गया, ये हम क्या खा रहे हैं, सिड्डू सिड्डू मोमो का बड़ा भाई ना, मोमो का मौसा बोल लो। इसको तोड़ दो, जैसे मार के तोड़ दो, ये इसमें ना मैं घी फिर ऐसे डालता, इतना तो नहीं जाएगा यार मेरे को, डाल दो इसमें हम अभी आए हैं मॉल रोड पे और अभी हमने जस्ट खाना खाया, खाना 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 नहीं खाया, ठूसा है, ठूसा है, ठूसा। मुझे बहुत मजा आ रहा है कि एकदम, मतलब जो मिला वो ठूसा है, नाम पता नहीं बट बड़े चाव से खाया हमने सब, बहुत मजा आया। नाम 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 तो बता दो फिर भूल गए, मंडाली धाम, मंडाली धाम और एक था वो जो ड्रिंक था वो था रोडू, रोडू ये जय जी है, मैं जय जी है, जय जी, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाना पड़ता है अपने ऑडियंस को। ये जय जी है, ये नहीं ना जय बोलो, जय है ये मेघा है, ये मैरिड है दोनों, हम मैरिड है, हम मैरिड है और शादी इसलिए हुई क्योंकि हमें घूमना था साथ में। अरे यार इनका स्टोरी एक अलग है, ये हर शेर जिधर हम रुके हॉस्टल्स में, कम्युनिटी मैनेजर या कम्युनिटी मैनेजर, तो अभी हम उसको थोड़ा पटा के हमारे साथ लेके जा रहे हैं ताकि सब अच्छा, हमें फ्री में थोड़ा एक दिन के लिए हॉस्टल में स्पॉट कर। ऐसे अगले बार आप हॉस्टल आओगे तो इसको फोन करो, ये जी 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 प्लीज प्लीज ओके। और ऐसा ये बहुत रैंडम है बट मुझे बहुत मजा आ रहा है, आपका नाम बताओ प्लीज। अभिषेक। अभिषेक अभिषेक हाय बोलो मेरे ब्लॉग में, अभिषेक जी ये महाराष्ट्र मिल गए यार, कैसे जय महाराष्ट्र, ये तो पता नहीं इसका सोलो ट्रिप था, ये मेरे साथ कैसे आया मुझे पता नहीं, बट अभी हम ऐसे, मुझे बहुत मजा आ रहा है कि रैंडमली लोग मिल रहे हैं, हम लोग मतलब लंच का प्लान था ना, बट आज सब लोग जा रहे हैं, मतलब ये हमारे कपल जा रहे हैं, ये तो है फिलहाल, अभिषेक भी है, अभिषेक यहाँ पे शायद स्टडी के लिए आया है, स्टडी के नाम पे घूम रहे, खा रहे पी रहे सब कर रहे हैं, ये अगर इनका फैमिली देख रहा है तो फिर देख लेना, ये मजे कर रहे हैं इधर स्टडी के नाम पे। सुमित को मेरे को पता नहीं मैं यहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ, बस लेट्स सी, हमको पता नहीं हम क्या करने वाले हैं, पता नहीं मीटिंग इन स्टेज, yes. और पता भी नहीं करना, सबसे अच्छी बात ये है द बेस्ट पार्ट इज इधर जा रहे हैं मीट योर फ्रेंड्स इन अ स्टेइंग सिटी, यस मैं तो बोल रही हूं गाइस तुम लोग मत जाओ प्लीज मत जाओ यार, हमारा भी वही मन है लेकिन इसका इवेंट है ना, मैं क्या बोलूं, इसने मेरी जिंदगी यार, इसने मेरी जिंदगी सही में बहुत अच्छी कर दी। अरे यार ये मस्त है यार जय, मेघा और जय को बाय बोलने के बाद बहुत सारे प्रोमिसेस लेके कि हम जल्दी ही मुंबई में मिलेंगे, हम निकले इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी जहाँ पे शिमला का बहुत सेकंड साइड देखने मिलता है, दैट इज़ अ पॉलिटिकल साइड, शिमला सिर्फ रोमांटिक प्लेस नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल बहुत सारा साइड है। अभी हम जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, शिमला ब्रूइंग कंपनी, शिमला ब्रूइंग कंपनी, क्यों उधर क्या है उधर उधर ब्रूज बनते हैं, उधर ब्रूज बनते हैं, आज हम लोग एक वन ऑफ आवर कलीग इज कमिंग, अभिषेक ब्रूज के लिए जा रहे हैं हम, नहीं मैं तो वहाँ पे बस खाने के लिए जाऊंगा, यस सुनने के लिए, दारू सुनने के लिए, गाने मैं तो वहाँ पे लाइव म्यूजिक गाऊंगा, मैं वहाँ पे लाइव म्यूजिक देखने जा रहा हूँ, वहाँ पे लाइव म्यूजिक चलता है और मेरा फेवरेट अड्डा यहाँ का शिमला का, ठीक है ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, आई टू टेल यू गाइस मतलब सोनल के सब्सक्राइबर्स, हाँ। ये बंदा नांदेड़ से हिमाचल में आया है लड़की ढूंढने के लिए, हाँ। अरे यार कुछ ही बोल रहे, सो एनी हिमाचली गर्ल वाचिंग दिस वीडियो प्लीज 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 वी विल मेंशन द इंस्टाग्राम आईडी इसका, सोलो ट्रैवलर का ये ना एक बहुत फन पार्ट है कि तुमको अननोन पीपल मिलते हैं लेकिन तुम्हारा वाइब बन जाता है,
और सब एक ही रीजन से आते हैं यहाँ पे पीस के लिए। हम खैर इनका रीजन तो लड़की है तो फिर गलत, बिल्कुल गलत बोल रही है। मैं अपने काम से आया हूँ, काम कर रहा हूँ, छुट्टियाँ मना रहा हूँ। काम करके छुट्टी, लोगों को लग रहा है काम के लिए आया भाई साहब, लड़की लेके आ रहे हैं छुट्टी, अभी जा रहे हैं ब्रूस के लिए एकदम, और हमको भी लेके जा रहे हैं। देखो यही है जिसने हमको बताया ये सब, हमें तो पता ही नहीं शिमला में क्या है। मैं ठीक हूँ, क्या बोला आपने अभी मेरे को बताओ, क्या बोला पहले आप बताओ। मैंने बोला कि मैं मेरे व्लॉग में ना मेंशन करूंगी इनका आईडी और हिमाचल। अच्छा? और हिमाचल अच्छा? की सारी लड़की आके बोलेंगी कि भाई मेरे से शादी कर ले। जी जी, अगर मेरे को यहाँ से मिली ना कोई तो मैं इनकी नवरात्र में 9 दिन पूजा करूंगा। अरे भाई साहब चाहते हो कि मेरी पूजा हो तो फिर कोई हिमाचली लड़की इनको बता दो यार, प्लीज बता दो, दे दीजिए भाई। So basically, अभी मस्त खाने पीने के बाद हम लोग आए। सर आपकी बेकरी का नाम बोलो। एम्बेसी। यहाँ पे एक मस्त 1 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब करके लिखा है सर ने, तो हमने ट्राई किया एप्पल पाई। चीज केक का माइंड ब्लोइंग है, बहुत बढ़िया। और ये एप्पल पाई है सब गरम गरम ठंडी में। रात के कितने 10:30 हुए है हम लोग यहाँ पे, एप्पल पाए, एप्पल पाए ना, एप्पल पाए, एप्पल पाए। ओहो सर सुभान अल्लाह, माइंड ब्लोइंग। अरे यार ऐसे जिंदगी हो तो बस क्या ही चाहिए यार लाइफ में, बस कुछ नहीं चाहिए। आयुष्य नेचर से बड़ा सुंदर है कि थोपड़ बगा वसन है वाइट पे। आई लव यू गॉड। कितनी भारी एक छोटे का नहीं सुंदर सुंदर शिलोंग, यहाँ पे बस 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 फॉग दिख रहे हैं और हम दिख रहे फंबल है फंबल। सोनल विचारे मैडम यांनी खूप मोठा फंबल मारला आहे, ते आता शिलोंगला पोहोचले पण आम्ही शिमला आहोत। अभिषेक वेर आर यू? आई एम इन शिमला, वी आर इन शिमला एंड दिस मैडम इज इन शिलोंग, सो यू नो ना हाउ हाउ शी इज इन शिलोंग। या प्लीज आणि वी आर आणि वी आर व्हेरी सोबर, वी आर इन शिमला, शी इज इन शिलोंग। आई एम नॉट एट ऑल सोबर, आई लव शिमला और मैं शिमला में हूँ। आणि एवढं सुंदर दिसतंय ना, म्हणजे काहीच दिसत नाहीये, फक्त फॉग आहे आणि खरंच काही दिसत नाहीये पुढे काय, मज्जा आहे। तुम्ही लोक शिमला ला आहात ना? हां मी तिथेच आहे 2-4 दिवस। ठीक आहे गाइस, ओके गाइस, आई लव टू बी शिमला। ओके कोहरा कोहरा एकदम, यस कोहरा कोहरा जैसे हमारा दिल भी है कोहरा कोहरा। महफिल सज गई थी पूरी, महफिल गाली गुलजार सब आ गए सब, मतलब 2 गुलजार तो मेरे साथ ही बैठे थे मुझे लग रहा है। और क्या 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 शायरिया हुई जा रही थी, हाय हाय अल्लाह। मज्जा आ गया, मज्जा आ गया ना? हाँ बिल्कुल गुड, मजा भी आई, याद भी आई, याद भी आई थोड़ी 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 थोड़ी। माया है, मोह माया है, मोह माया है, हिमाचल माया का मोह है, माया का मोह है हिमाचल में, और मन अमन है बस माया का मोह। कुछ सवाल है उसको जो कयामत के रोज पूछूंगा। अच्छा कुछ सवाल है जो कयामत के रोज पूछूंगा। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में, चरा 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 रा वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में, तरा तरा रा साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में, ला 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 ला। वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में, गली 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 में। खत्म बॉस, डन फॉर द डे बॉस। शिमला के रस्तों पे थोड़ा तमाशा करके हमारे डॉम्स में आ गए। हम एक्चुअली 6 जन के बैठ के इधर रुके थे, छह के इधर रुके थे ना, तो एक अंकल बहुत बड़े आवाज के साथ खर्राटे ले रहे थे और हमने लाइक ऐसे और हमने फिर हाँ अभी हम आए हैं, बट हम फिर से नीचे जाएंगे। और शिमला में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है और मजा आ रहा है। What is up? Good morning. हम जा रहे हैं, अभी ये हमारा शिमला का 3रा दिन है
और आप तो देख ही सकते हो कितना भयंकर बारिश हो रहा है। छाता लेके रेडी होके अभी हम जा रहे हैं। सुंदर सुंदर बारिश, मजा आ रहा है मेरे को। हम जा रहे थे बेसिकली हिमाचली फूड खाने के लिए। ट्रैप हो गए छोले भटूरे में। कितने खाए भटूरे? सात भटूरे खाए विथ तीन प्लेट टिक्की प्लस वन समोसा। हरी मिर्ची पांच छह मिर्ची। आज का हमारा लंच हो गया, चलो अभी जाते हैं दूसरी जगह पे। खाना खाने के बाद अभिषेक ने हमें और एक जगह सजेस्ट की, दैट इज इंडियन हेरिटेज म्यूजियम, जहाँ पे बहुत सारे अपने वॉरियर के बारे में और अपने गीता के बारे में और अपने बहुत सारे फाइटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। बहुत लोगों के नाम है। ये म्यूजियम देख के मुझे ऐसा लगा कि कितना सारा चीज़ें अपने इंडिया में ऑलरेडी है बट अपने को पता ही नहीं है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखा। यहाँ पे एक छोटा सा प्ले रूम भी है जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इंफॉर्मेशन दिया जाता है, वीआर से मूवीज़ दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे फिर हमने दो मूवीज़ था जिसमें मैंने कारगिल वाला मूवी देखा, जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया था कारगिल वॉर के बारे में। टाटा बाय बाय। इतना सुंदर प्लेस है, इतना प्यारा प्यारा। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। म्यूजियम से निकलते ही हम आ गए फेमस यहाँ का तारा देवी मंदिर को देखने के लिए। ये मंदिर मॉल रोड से 30 मिनट दिखा रहा था बट ये बहुत ऊपर है। 45 मिनट्स हमको सिर्फ मंदिर पहुँचने के लिए लगे बट जो भी था वो था। और ये मेरा लास्ट डे था यहाँ पे। ओके गाइस, एंड इट्स अ फोर्थ डे और मेरा लास्ट दिन है शिमला में। ये लोग तो है अभी भी, ये लोग घूमने वाले हैं और मेरा लास्ट दिन है। तो हम लोग गए थे अभी सुबह उठ के शॉपिंग के लिए, कुछ मिलेगा क्या इधर से, कुछ लेने जैसा है क्या। हाँ, यू आर गोइंग टू मिस शिमला फॉर टू मोर डेज। आई नो, हम तो है इन वादियों में, हम तो इधर ही है। ठीक है, हम कांगड़ा थाली खाने वाले। ओके देन ठीक है, आप चले जाओ। कि मेरा मन बदलने से पहले गाड़ी पकड़ना पड़ेगा। सो बाय गाइस, जल्दी मिलते हैं मुंबई में, तब तक मजे करो। टाटा बाय बाय। और अब तक जा रही तो मौसम भी नहीं जाने दे रहा यार, इतना सुंदर है। ओके, नेक्स्ट ईयर मिलते गाइस शिमला में, ऐसे ही प्लान करके जी। मेरा सोलो ट्रिप तो सोलो था ही नहीं बट जो भी था मुझे बहुत मजा आया। और वादियों को बाय बाय करके मैं पहुंच गई मुंबई ड्रीम सिटी में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।